Want to speak real Hindi from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at HindiPod101.com. In this video, you will listen to each dialogue twice. One version without the conversation's text, and one version with subtitles to read along with. Test your listening comprehension skills with this video. Ready? क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? मैं अपनी पत्नी के जन्मदिन के लिए एक तोहफा ढूंढ रहा हूँ. आप कुछ अच्छा दिखाएंगी? अच्छा, तो ये हार कैसा रहेगा? यह थोड़ा लंबा लगता है. अच्छा, तो फिर ये वाले कैसे रहेंगे? एक फूल के लॉकेट वाला है यहाँ और एक दिल के लॉकेट वाला. मैं कुछ ज्यादा अच्छा ढूंढ रहा हूँ. यह मोती का हार कितने का है? ये 3 लाख रुपयों का है. वह बहुत ज्यादा है. ठीक है, मैं पहले वाला लूंगा. हाँ जरूर, ये लीजिए. क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? मैं अपनी पत्नी के जन्मदिन के लिए एक तोहफा ढूंढ रहा हूँ. आप कुछ अच्छा दिखाएंगी? अच्छा, तो ये हार कैसा रहेगा? यह थोड़ा लंबा लगता है. अच्छा, तो फिर ये वाले कैसे रहेंगे? एक फूल के लॉकेट वाला है यहाँ और एक दिल के लॉकेट वाला. मैं कुछ ज्यादा अच्छा ढूंढ रहा हूँ. यह मोती का हार कितने का है? ये 3 लाख रुपयों का है. वह बहुत ज्यादा है. ठीक है, मैं पहले वाला लूंगा. हाँ जरूर, ये लीजिए. नया प्रिंटर कहाँ रखें? मुझे लगता है जहाँ पुराना वाला रखा है वहीं रखना चाहिए. लेकिन पुराना वाला तो अभी भी चल रहा है, हम उसे रखने वाले हैं. अच्छा, तब नया वाला वहाँ नहीं रख सकते. हाँ, काश वह रख पाते. नया प्रिंटर दरवाजे के बिल्कुल पास के शेल्फ पर सही रहता, लेकिन वहाँ सिर्फ एक ही रख सकते हैं. अच्छा, तो फिर मुझे लगता है हमें कमरे की दूसरे तरफ रखना चाहिए. हाँ, खिड़की के बगल में कैसा होगा? हाँ, वो ठीक रहेगा. नया प्रिंटर कहाँ रखें? मुझे लगता है जहाँ पुराना वाला रखा है वहीं रखना चाहिए. लेकिन पुराना वाला तो अभी भी चल रहा है, हम उसे रखने वाले हैं. अच्छा, तब नया वाला वहाँ नहीं रख सकते. हाँ, काश वह रख पाते. नया प्रिंटर दरवाजे के बिल्कुल पास के शेल्फ पर सही रहता, लेकिन वहाँ सिर्फ एक ही रख सकते हैं. अच्छा, तो फिर मुझे लगता है हमें कमरे की दूसरे तरफ रखना चाहिए. हाँ, खिड़की के बगल में कैसा होगा? हाँ, वो ठीक रहेगा. हेलो, मैं अभी घर आ रहा हूँ. अच्छा, आते वक्त कुछ ले सकोगे? ठीक है, क्या लेना है? कल के सुबह के नाश्ते के लिए दूध और डबल रोटी चाहिए. दूध और डबल रोटी, ठीक है. कितने पैकेट दूध? 1 काफी है. ठीक है, और कुछ? 1 मिनट, देखने दो, मक्खन है कि नहीं. हाँ है. अच्छा, और बियर है घर पे? हाँ, 1 बोतल है. अच्छा, तो फिर अभी खरीदने की कोई जरूरत नहीं है. हाँ, बस इतना ही. हेलो, मैं अभी घर आ रहा हूँ. अच्छा, आते वक्त कुछ ले सकोगे? ठीक है, क्या लेना है? कल के सुबह के नाश्ते के लिए दूध और डबल रोटी चाहिए. दूध और डबल रोटी, ठीक है. कितने पैकेट दूध? 1 काफी है. ठीक है, और कुछ? 1 मिनट, देखने दो, मक्खन है कि नहीं. हाँ है. अच्छा, और बियर है घर पे? हाँ, 1 बोतल है. अच्छा, तो फिर अभी खरीदने की कोई जरूरत नहीं है. हाँ, बस इतना ही. सुबह में धूप रहेगी, लेकिन दोपहर के समय बादलों के छाने की संभावना है और रात से बारिश भी शुरू होगी. बारिश फिर लगातार कल सवेरे तक चालू रहेगी, जिसके बाद से फिर सूरज निकल आएगी. सुबह में धूप रहेगी, लेकिन दोपहर के समय बादलों के छाने की संभावना है और रात से बारिश भी शुरू होगी. बारिश फिर लगातार कल सवेरे तक चालू रहेगी, जिसके बाद से फिर सूरज निकल आएगी. हमारे पास यह कुछ नए डिजाइन हैं कंपनी के बिजनेस कार्ड के लिए. आपको कौन सा सबसे अच्छा लगता है? जरा देख लें. मुझे लगता है कंपनी का नाम और बड़ा होना चाहिए. अच्छा, तो ये वाले? हाँ, मुझे ये ज्यादा पसंद है, क्योंकि कंपनी का नाम बड़ा है और सबसे ऊपर में है. इनमें से एक में तस्वीर की जगह है, इसके बारे में क्या लगता है? उससे अक्षर बहुत छोटे हो रहे हैं. हाँ, अक्षर पढ़ने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है. ठीक है, तो फिर दूसरे वाले को रखते हैं. हमारे पास यह है कुछ नए डिजाइन हैं कंपनी के बिजनेस कार्ड के लिए. आपको कौन सा सबसे अच्छा लगता है? जरा देख लें. मुझे लगता है कंपनी का नाम और बड़ा होना चाहिए. अच्छा, तो ये वाले? हाँ,
मुझे ये ज्यादा पसंद है क्योंकि कंपनी का नाम बड़ा है और सबसे ऊपर में है। इनमें से एक में तस्वीर की जगह है, इसके बारे में क्या लगता है? उससे अक्षर बहुत छोटे हो रहे हैं। हाँ, अक्षर पढ़ने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है। ठीक है, तो फिर दूसरे वाले को रखते हैं। माफ कीजिए, क्या आप जानते हैं अगर यहाँ कोई नज़दीक में बस स्टॉप है? हाँ, पहले सीधे जाओ, फिर दूसरी लाल बत्ती से दाएं मुड़ जाना, फिर कोने पे किताबों की दुकान से बाईं ओर मुड़ जाना और आपको एक बैंक नजर आएगा। बस स्टॉप बैंक के बिल्कुल सामने है। समझ गई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माफ कीजिए, क्या आप जानते हैं अगर यहाँ कोई नज़दीक में बस स्टॉप है? हाँ, पहले सीधे जाओ, फिर दूसरी लाल बत्ती से दाएं मुड़ जाना, फिर कोने पे किताबों की दुकान से बाईं ओर मुड़ जाना और आपको एक बैंक नजर आएगा। बस स्टॉप बैंक के बिल्कुल सामने है। समझ गई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस दोपहर को हमारी न्यूयॉर्क ऑफिस के माइकल के साथ मीटिंग है। क्या तुम्हें मालूम है कि कोई ड्रिंक्स बची हुई हैं या नहीं? हमारे पास कुछ कॉफी है। माइकल कॉफी नहीं पीता। क्या हमारे पास कोई पानी की बोतलें हैं? हाँ, मुझे लगता है अभी कुछ बची हुई है। बढ़िया, बहुत अच्छे। आपको कुछ चाहिए? मैं भी वही लूंगा। इस दोपहर को हमारी न्यूयॉर्क ऑफिस के माइकल के साथ मीटिंग है। क्या तुम्हें मालूम है कि कोई ड्रिंक्स बची हुई हैं या नहीं? हमारे पास कुछ कॉफी है। माइकल कॉफी नहीं पीता। क्या हमारे पास कोई पानी की बोतलें हैं? हाँ, मुझे लगता है अभी कुछ बची हुई है। बढ़िया, बहुत अच्छे। आपको कुछ चाहिए? मैं भी वही लूंगा। माफ कीजिए, मैं एक बेहद हल्का कंप्यूटर तलाश रही हूँ। ठीक है, इसके बारे में क्या ख्याल है? ये बहुत पतला और हल्का है। ये अच्छा लग रहा है। क्या इस कंप्यूटर पे DVD देख सकते हैं? नहीं, अफसोस, वह नहीं कर सकते, लेकिन उस वाले पर आप DVD देख सकती हैं। ये बहुत भारी है, मैं पहले वाला ही खरीदूंगी। धन्यवाद। आप सफेद, काले और चांदी रंग में से चुन सकती हैं। मुझे काला वाला चाहिए। माफ कीजिए, मैं एक बेहद हल्का कंप्यूटर तलाश रही हूँ। ठीक है, इसके बारे में क्या ख्याल है? ये बहुत पतला और हल्का है। ये अच्छा लग रहा है। क्या इस कंप्यूटर पे DVD देख सकते हैं? नहीं, अफसोस, वह नहीं कर सकते, लेकिन उस वाले पर आप DVD देख सकती हैं। ये बहुत भारी है, मैं पहले वाला ही खरीदूंगी। धन्यवाद। आप सफेद, काले और चांदी रंग में से चुन सकती हैं। मुझे काला वाला चाहिए। तुम अगले हफ्ते एक ट्रिप पर जा रहे हो, है ना? हाँ, मैं मंगलवार को हांगकांग जा रहा हूँ। मैं वहाँ 2 रात के लिए रुकूंगा। उसके बाद तुम ताइपे जा रहे हो? हाँ, मैं गुरुवार को ताइपे जा रहा हूँ और 1 रात वहाँ रुकूंगा और उसके बाद घर वापस आऊंगा। तो तुम शनिवार को मीटिंग में आ सकोगे, है ना? हाँ, मैं आ सकता हूँ। तुम अगले हफ्ते एक ट्रिप पर जा रहे हो, है ना? हाँ, मैं मंगलवार को हांगकांग जा रहा हूँ। मैं वहाँ 2 रात के लिए रुकूंगा। उसके बाद तुम ताइपे जा रहे हो? हाँ, मैं गुरुवार को ताइपे जा रहा हूँ और 1 रात वहाँ रुकूंगा और उसके बाद घर वापस आऊंगा। तो तुम शनिवार को मीटिंग में आ सकोगे, है ना? हाँ, मैं आ सकता हूँ। कॉल करने के लिए धन्यवाद। यह पिज्जा स्टेशन है। हाय, क्या मुझे लहसुन टमाटर वाला पिज्जा मिल सकता है? एक लहसुन टमाटर वाला पिज्जा, ठीक है, किस साइज का? कृपया बड़े साइज वाला और कृपया उसे 8 टुकड़ों में काटना। जरूर, आप कुछ और लेंगे? हाँ, 4 ब्रेडस्टिक और 2 कोक के कैन भी लूंगा। ठीक है, हम ये लगभग 40 मिनट में पहुंचा देंगे। कॉल करने के लिए धन्यवाद। यह पिज्जा स्टेशन है। हाय, क्या मुझे लहसुन टमाटर वाला पिज्जा मिल सकता है? एक लहसुन टमाटर वाला पिज्जा, ठीक है, किस साइज का? कृपया बड़े साइज वाला
और कृपया उसे 8 टुकड़ों में काटना। जरूर, आप कुछ और लेंगे? हाँ, 4 ब्रेडस्टिक और 2 कोक के कैन भी लूंगा। ठीक है, हम ये लगभग 40 मिनट में पहुंचा देंगे। मुझे माफ कीजिए, आप कितने बजे तक खुले हैं? हम 11 बजे तक खुले हैं, लेकिन आखिरी ऑर्डर 10 बजे होता है। ओह अच्छा, मुझे लगा आपने पहले से ही बंद कर दिया है, क्योंकि काफी देर हो चुकी है। हम 10 बजे बंद करते थे, लेकिन हमने समय बढ़ा दिया है। ओह मैं समझ गया। लेकिन रविवार को रेस्तरां हम 9 बजे बंद कर देते हैं। ठीक है, समझ गया। मुझे माफ कीजिए, आप कितने बजे तक खुले हैं? हम 11 बजे तक खुले हैं, लेकिन आखिरी ऑर्डर 10 बजे होता है। ओह अच्छा, मुझे लगा आपने पहले से ही बंद कर दिया है, क्योंकि काफी देर हो चुकी है। हम 10 बजे बंद करते थे, लेकिन हमने समय बढ़ा दिया है। ओह मैं समझ गया। लेकिन रविवार को रेस्तरां हम 9 बजे बंद कर देते हैं। ठीक है, समझ गया। आप इस वैक्यूम क्लीनर के बारे में क्या सोचते हो? मुझे यह अच्छा लग रहा है, क्या आप इसे ऑर्डर करेंगे? हाँ जी, डिलीवर होने में 3 से 4 दिन लगेंगे। हमें स्पष्ट रूप से तारीख बतानी होगी। अगले शनिवार के बारे में क्या ख्याल है? हम शनिवार को सुबह जल्दी टेनिस खेलने जा रहे हैं। ठीक है, फिर रविवार को बेहतर है। ठीक है, वैसा करते हैं। और शुक्रवार को जल्दी घर आना मत भूल जाना, क्योंकि शनिवार को हमें जल्दी निकलना है। हाँ मुझे पता है। आप इस वैक्यूम क्लीनर के बारे में क्या सोचते हो? मुझे यह अच्छा लग रहा है, क्या आप इसे ऑर्डर करेंगे? हाँ जी, डिलीवर होने में 3 से 4 दिन लगेंगे। हमें स्पष्ट रूप से तारीख बतानी होगी। अगले शनिवार के बारे में क्या ख्याल है? हम शनिवार को सुबह जल्दी टेनिस खेलने जा रहे हैं। ठीक है, फिर रविवार को बेहतर है। ठीक है, वैसा करते हैं। और शुक्रवार को जल्दी घर आना मत भूल जाना, क्योंकि शनिवार को हमें जल्दी निकलना है। हाँ मुझे पता है। ठीक है, मैं आपको 3 तरह की दवाइयां दूंगा, कृपया रोजाना रात को खाने के बाद ले लेना। ठीक है। आपको गोल आकार की 2 गोलियां, 1 कैप्सूल और 1 डोज चूर्ण वाली दवाई की एक बार में लेनी है। ठीक है। मैं आपको 3 दिन की दवाई दूंगा, आपको 3 दिन बाद बेहतर ना महसूस हो तो कृपया फिर से आ जाइएगा। जी बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। ठीक है, मैं आपको 3 तरह की दवाइयां दूंगा, कृपया रोजाना रात को खाने के बाद ले लेना। ठीक है। आपको गोल आकार की 2 गोलियां, 1 कैप्सूल और 1 डोज चूर्ण वाली दवाई की एक बार में लेनी है। ठीक है। मैं आपको 3 दिन की दवाई दूंगा, आपको 3 दिन बाद बेहतर ना महसूस हो तो कृपया फिर से आ जाइएगा। जी बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। तुम कभी मेरे घर क्यों नहीं आ जाते? शुक्रिया, लेकिन मुझे थोड़ा अजीब लगेगा। मैं तुम्हारे परिवार से मिलने से पहले उनके बारे में कुछ जानना चाहूंगी। ठीक है, मेरे पिता एक कार्यालय में काम करते हैं और उन्हें मछली पकड़ने का शौक है। मेरी माँ एक गृहिणी है और वह खाना बहुत अच्छा बनाती है। क्या तुम्हारे कोई भाई या बहन है? हाँ, मेरी एक दीदी और एक छोटा भाई है। मेरी दीदी शादीशुदा है और वह विदेश में रहती है। मेरा भाई हाई स्कूल का विद्यार्थी है। तुम्हारा परिवार अच्छा है, मैं उनसे जरूर मिलना चाहूंगी। तुम कभी मेरे घर क्यों नहीं आ जाते? शुक्रिया, लेकिन मुझे थोड़ा अजीब लगेगा। मैं तुम्हारे परिवार से मिलने से पहले उनके बारे में कुछ जानना चाहूंगी। ठीक है, मेरे पिता एक कार्यालय में काम करते हैं और उन्हें मछली पकड़ने का शौक है। मेरी माँ एक गृहिणी है और वह खाना बहुत अच्छा बनाती है। क्या तुम्हारे कोई भाई या बहन है? हाँ, मेरी एक दीदी और एक छोटा भाई है। मेरी दीदी शादीशुदा है और वह विदेश में रहती है। मेरा भाई हाई स्कूल का विद्यार्थी है। तुम्हारा परिवार अच्छा है, मैं उनसे जरूर मिलना चाहूंगी। माफ कीजिए, लेकिन क्या आप मेरी आज की नियुक्ति को कैंसिल कर देंगे? जरूर, क्या आप इसे किसी दूसरे दिन रखना चाहेंगे? हाँ जी, इस शनिवार को कैसा रहेगा? मैं सुबह में पसंद करूंगा। अफसोस, इस शनिवार को हम पूरी तरह से बुक्ड हैं, लेकिन हम अगले शनिवार को रख सकते हैं। वह आज से काफी दूर है,
गुरुवार को देर दोपहर में कैसा रहेगा? जी, 5 और 6 बजे खाली है। ठीक है, कृपया 6 बजे बुक कर दें। जी, बहुत अच्छा। माफ कीजिए, लेकिन क्या आप मेरी आज की नियुक्ति को कैंसिल कर देंगे? जरूर, क्या आप इसे किसी दूसरे दिन रखना चाहेंगे? हाँ जी, इस शनिवार को कैसा रहेगा? मैं सुबह में पसंद करूँगा। अफसोस, इस शनिवार को हम पूरी तरह से बुक्ड हैं, लेकिन हम अगले शनिवार को रख सकते हैं। वह आज से काफी दूर है, गुरुवार को देर दोपहर में कैसा रहेगा? जी, 5 और 6 बजे खाली है। ठीक है, कृपया 6 बजे बुक कर दें। जी, बहुत अच्छा। मैं रविवार की पार्टी का इंतजार कर रही हूँ। मैं भी, कृपया 12 बजे आ जाना। हाँ, तुम्हारे अपार्टमेंट का नंबर 1018 है ना? हाँ, वही है। मेरे अपार्टमेंट में 2 इमारतें हैं, पूर्व और पश्चिम। मेरा फ्लैट पूर्व की इमारत में 1018 है। ठीक है। तुम्हें कोई परेशानी हो तो मुझे कॉल कर लेना। ठीक है, शुक्रिया। मैं रविवार की पार्टी का इंतजार कर रही हूँ। मैं भी, कृपया 12 बजे आ जाना। हाँ, तुम्हारे अपार्टमेंट का नंबर 1018 है ना? हाँ, वही है। मेरे अपार्टमेंट में 2 इमारतें हैं, पूर्व और पश्चिम। मेरा फ्लैट पूर्व की इमारत में 1018 है। ठीक है। तुम्हें कोई परेशानी हो तो मुझे कॉल कर लेना। ठीक है, शुक्रिया। हेलो, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? कृपया, मैं यह DVD उधार लेना चाहता हूँ। कुल मिलाकर 3। अगर आप 5 लेते हैं तो आपको छूट मिलेगी। अच्छा, लेकिन मेरे पास इतनी सारी DVD देखने का समय नहीं है, तो मैं सिर्फ 3 ही लूंगा। अभी हम एक विशेष छूट दे रहे हैं, तो आप उन्हें 1 हफ्ता ज्यादा रख सकते हैं। ओह, सच में? ठीक है, तो मुझे 2 और ले लेने दो। हेलो, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? कृपया, मैं यह DVD उधार लेना चाहता हूँ। कुल मिलाकर 3। अगर आप 5 लेते हैं तो आपको छूट मिलेगी। अच्छा, लेकिन मेरे पास इतनी सारी DVD देखने का समय नहीं है, तो मैं सिर्फ 3 ही लूंगा। अभी हम एक विशेष छूट दे रहे हैं, तो आप उन्हें 1 हफ्ता ज्यादा रख सकते हैं। ओह, सच में? ठीक है, तो मुझे 2 और ले लेने दो। तुम्हें समय पता है? नहीं, माफ करना, आज मैं अपनी घड़ी भूल गई। अच्छा, मुझे चिंता है कि हम ट्रेन पकड़ पाएंगे कि नहीं। ओह, स्टेशन के प्रवेश में एक घड़ी है। अच्छा, ओहो, ट्रेन 5 मिनट में आ रही है। ये 10 बजे की ट्रेन है ना? हाँ, हमें जल्दी करना चाहिए। तुम्हें समय पता है? नहीं, माफ करना, आज मैं अपनी घड़ी भूल गई। अच्छा, मुझे चिंता है कि हम ट्रेन पकड़ पाएंगे कि नहीं। ओ, स्टेशन के प्रवेश में एक घड़ी है। अच्छा, ओहो, ट्रेन 5 मिनट में आ रही है। ये 10 बजे की ट्रेन है ना? हाँ, हमें जल्दी करना चाहिए। क्या कल रात के विमान में कोई सीटें खाली हैं? जी, 1 मिनट। क्या आप इकोनॉमी क्लास चाहते हैं? हाँ जी। प्रतीक्षा के लिए धन्यवाद। हाँ, हमारे पास कुछ सीटें अभी भी है। अच्छा, मैं एक गलियारे वाली सीट चाहूँगा। माफ कीजिए, सभी गलियारे वाली सीटें भर चुकी हैं। ठीक है, लेकिन मैं बीच में नहीं बैठना चाहता। तो फिर आप एक खिड़की वाली सीट लेना पसंद करेंगे? हाँ जी। क्या कल रात के विमान में कोई सीटें खाली हैं? जी, 1 मिनट। क्या आप इकोनॉमी क्लास चाहते हैं? हाँ जी। प्रतीक्षा के लिए धन्यवाद। हाँ, हमारे पास कुछ सीटें अभी भी है। अच्छा, मैं एक गलियारे वाली सीट चाहूंगा। माफ कीजिए, सभी गलियारे वाली सीटें भर चुकी हैं। ठीक है, लेकिन मैं बीच में नहीं बैठना चाहता। तो फिर आप एक खिड़की वाली सीट लेना पसंद करेंगे? हाँ जी।